हेलो दोस्तों, ऑटो टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो है टाटा नेक्सॉन ईवी यानी इलेक्ट्रिक पर। और अगर आप प्लान कर रहे हैं कोई इलेक्ट्रिक कार लेने का और स्पेशली टाटा नेक्सॉन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत फायदेमंद होने वाला है। दोस्तों, हम सबको पता है टाटा की नेक्सॉन जो है वो इंडिया की और टाटा की फर्स्ट ऐसी सेफेस्ट एसयूवी है जिसने ग्लोबल एनसीएपी में 5-स्टार रेटिंग गेन किए थे। और इसके साथ ही टाटा ने इस सक्सेसफुल प्रोडक्ट को इलेक्ट्रिक में भी लॉन्च किया था अपनी जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी के साथ। आपको बता दें कि लगभग 2 साल हो चुके हैं नेक्सॉन इलेक्ट्रिक को लॉन्च हुए और ये उनका सक्सेसफुल प्रोडक्ट साबित हुआ है। आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एकमात्र टाटा की ऐसी गाड़ी है जिसकी 6 मंथ की वेटिंग पीरियड है और अभी फिलहाल सिनेरियो में ये इंडिया की बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक एसयूवी है। और आज के वीडियो में मैं उन लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आया हूं जो इलेक्ट्रिक कार या टाटा नेक्सॉन की प्लानिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूं कि अभी जो नेक्सॉन इलेक्ट्रिक ईवी जो आती है उसमें जो बैटरी है वो 30 किलोवाट की यूज की जाती है, लेकिन अब टाटा ने कन्फर्म कर दिया है कि वो बड़ी बैटरी पैक के साथ आ रहे हैं, यानी अब वो 40 किलोवाट की बैटरी यूज कर रहे हैं जिससे कार की रेंज बढ़ जाएगी। यानी अब एक सिंगल चार्ज में कार पहले की अपेक्षा ज्यादा चलेगी। और साथ ही टाटा ये भी क्लेम कर रहा है कि जो पुरानी रेंज थी उससे अब 30% ज्यादा ड्राइविंग रेंज आपको सिंगल चार्ज में मिलेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि जो पुरानी 30 किलोवाट की बैटरी यूज होती थी उसमें टाटा 312 किलोमीटर पर सिंगल चार्ज की क्लेम करता था रेंज, जो कि प्रैक्टिकली कई टेस्ट हुए, कई लोगों के ओनर के भी एक्सपीरियंस आए जिसमें ये हमें देखने को मिला कि 312 टाटा क्लेम कर रहा है लेकिन जो वास्तविक में 225 से लेके 250 किलोमीटर की रेंज मिलती थी एक सिंगल चार्ज में। अब आपको बता दें कि ये जो 40 किलोवाट की बैटरी यूज होगी इससे अब टाटा जो क्लेम कर रहा है 30% का गेन, तो यानी 312 जो क्लेम था वो अब 400 प्लस किलोमीटर पर रेंज हो जाएगा। और वहीं अगर हम प्रैक्टिकल यानी वास्तविक रेंज की बात करेंगे तो वो अब 325 से लेके 350 किलोमीटर पर चार्ज की हो जाएगी, जो कि मुझे लगता है कि एक अच्छी ड्राइविंग रेंज होगी। और इसके बाद जो टाटा नेक्सॉन है वो अपने कॉम्पिटिटर MG ZS EV और हुंडई की कोना से कांटे की टक्कर ले सकेगा। अब आपको बताते हैं कि इस नेक्सॉन ईवी में बड़ी बैटरी और बड़ी रेंज के साथ आपको कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो न्यू नेक्सॉन ईवी में ऑफर किए जाएंगे। सबसे पहले चीज कि इसमें आपको 4-व्हील डिस्क ब्रेक भी ऑफर किया जा सकता है, ESP यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी ऑफर किया जाएगा। इसके अलावा ऑलरेडी जो टाटा नेक्सॉन ईवी है वो काफ़ी फीचर लोडेड आती है, डुअल एयरबैग्स मिलते हैं, ABS, EBD, मल्टीफंक्शनल स्टेयरिंग व्हील, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, सनरूफ मिलता है। तो ये सारे फीचर्स जो आपको करंट नेक्सॉन में ऑफर किए जा रहे हैं वो आपको साथ में इसमें भी कैरी फॉरवर्ड किए जाएंगे। डिज़ाइन की बात करें तो बहुत ज़्यादा चेंज आपको नहीं देखने को मिलेगा 22 नेक्सॉन ईवी में। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है इंटीरियर और एक्सटीरियर में माइनर ट्वीक्स किए जाएं, थोड़ी सी कुछ हाइलाइटिंग्स की जाएं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो स्पाइट तस्वीरें आ रही हैं उसमें जो एलॉय व्हील्स दिख रही है वो जो डार्क एडिशन ईवी में यूज़ होती है 5-स्पोक की, वही सेम दिख रही है। उम्मीद की जा रही है कि एलॉय व्हील्स में थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जब बैटरी का पावर बढ़ेगा कार का वजन भी बढ़ेगा तो उस हिसाब से टायर और एलॉय व्हील्स जो है वो थोड़े बहुत डिफरेंट देखने को मिल सकते हैं। अब आती है प्राइस की बात, बट ऑब्वियस है कि जब बैटरी की क्षमता बढ़ाई जा रही है, बड़ी बैटरी लगाई जा रही है तो कॉस्ट भी बढ़ेगी। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 3 लाख तक जो है प्राइस रेंज वो बढ़ जाएगी। मौजूदा प्राइस की अगर हम बात करें तो 14,30,000 से लेके 16,90,000 के बीच में एक शोरूम प्राइस होती है। और अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अगर आपको ये ऑप्शंस मिलते हैं तो बेस प्राइस जो इसकी है वो 17,00,000 से लेके टॉप मॉडल की 20,00,000 हो सकती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि टाटा दोनों ही बैटरी के साथ इसको ऑफर करेगा, यानी आपको दोनों बैटरी और ड्राइविंग रेंज के ऑप्शंस दिए जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि टाटा केवल टॉप वेरिएंट्स में ही ये नेक्सॉन को बड़ी बैटरी इलेक्ट्रिक को
लॉन्च करे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि 20 लाख पहुंचते पहुंचते ये थोड़ा बहुत ही अंतर बचेगा MG ZS और हुंडई कोना से। तो अगर अंतर ठीक ठाक होगा तो ज्यादा बायर्स टाटा नेक्सॉन को प्रेफर करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक को लोग प्रेफर कर रहे हैं, और अगर रेंज में उनको किफायती लगेगी तो मुझे लगता है कि ये टाटा का एक जिस तरह से इलेक्ट्रिक में हॉट सेलिंग प्रोडक्ट बना है ये और भी फायदेमंद हो जाएगा उन बायर्स के लिए जो इसको प्लान करना चाहते हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए जिससे हम जो भी अगला वीडियो रिलीज करेंगे वो आप तक तुरंत पहुँचेगा।